सियाचिन में साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को उनके अदभ्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमान सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है। शहीद कैप्टन के माता पिता का आरोप है कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। आरोपों के अनुसार वह न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई, बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। जिस माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खोया, वह बेटे की यादों के साथ साथ इस शहादत के बदले मिले कीर्ति चक्र को एक बार छूने के लिए तरस रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में माता पिता ने क्या कहा, सुनिए। 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं नियमानुसार, शादी होने के बाद पत्नी और माँ दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए, तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शिव शाम ने लेकर दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने जाबाज शौहर के पिता को दूं। बताया कि बेटी की मर्जी से ही हमने स्मृति से शादी करवाई थी। शादी बड़े धूमधाम से अरमानों के साथ हुई थी। ना हमारी तरफ से, ना ही स्मृति के परिवार वालों की तरफ से कोई कमी रखी गई थी। हम सब बहुत खुश थे। शादी के बाद स्मृति नोएडा में BDS की पढ़ाई कर रही मेरी बेटी के साथ फ्लैट में ही रहने लगी थी। लेकिन 19 जुलाई 2023 को जब बेटा शहीद हुआ, तब बहू स्मृति और बेटी नोएडा में ही थे। मैंने ही कहकर दोनों को कैब से लखनऊ बुलवाया और लखनऊ से हम गोरखपुर गए। वहां अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 13वीं के अगले ही दिन बहू स्मृति ने घर जाने की जिद कर दी। कुछ भी हमें एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही है, लेकिन 2 तारीख को सडन उन्होंने कहा, 2 को उनकी थी कि हम अगले दिन, उनकी माता ने कहा कि हम जाएंगे, वहां भी कुछ हमने धार्मिक प्रयोजन रखे हैं। हमें 2 अगस्त, अच्छा 2 अगस्त, 13 ही 2 अगस्त को थी, और 13 ही को ये हुआ। पूरे रस्म और रिवाज के साथ हमारी 13 ही मनाई गई। जो अगला दिन होता है भोज का, जिसको आप कहते हैं मतलब कच्चा खाना, भात खाना, आप तो उस दिन वो भी चल रहा था, और गंगा किनारे या सरजू किनारे जहाँ भी लोग जाते हैं, तो सरजू हमारे यहाँ है, वहाँ किनारे हमने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि जो पत्नी के जो कड़े होते हैं या कपड़े होते हैं वहाँ जाके प्रवाहित किए जाते हैं। तो हमने कहा बेटा वो आज के दिन एक दिन रुक जाओ, करके जाते हैं। तो भी कहा नहीं अप्पा, जरूरी है। तो हमने पंडित को बुला के और पूरे रस्म और रिवाज के साथ वो सारे चीज़ पूरे कराए, और वो 3 तारीख को जब हमारे यहाँ भी खाना पीना चल रहा था, तभी वो UP सरकार की गाड़ी थी, और वो लेकर के माननीय योगी जी का बहुत सहयोग रहा, तो वो गाड़ी यहाँ आई थी लेकर के, ट्रांसपोर्ट की रोडवेज की गाड़ी थी, लेके आई लखनऊ, और वो सुबह 4 तारीख को गई। अंशुमान की माता ने बहू को लेकर क्या कहा, सुनिए। बस मैं हाथ बढ़ाई थी, वो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो वो पकड़िए, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी कि हाथ नहीं बढ़ा रही है, आप लोग देखे होंगे। मैं कुछ सेकेंड के बाद ही मैं हाथ ले गई हूँ, और फिर मैं हाथ हटा दी। दुख ही इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है, इसका बहुत दर्द है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी, वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है, साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे।